लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे बच्चे, तेरी जुदाई में जितना जी सकता था जी लिया, अब तो एक एक सांस आरी की तरह चल रही है। मैं भी तेरे पास आ रहा हूं। इस दुनिया में तो मिलाप न हो सका, लेकिन वहां तो जरूर होगा। नानो जी, शुद्ध भोजन तैयार। नानो जी, हो, अरे मालूम होता है बेचारे नाना जी चल बसे। हो भगवान, इनकी आत्मा को शांति दे। ओ नाना जी, हो क्या सेठ जी मर गए? नहीं नहीं, वो वसीयत के बगैर कैसे मर सकते हैं? नाना जी चले गए हमेशा के लिए। अरे सुनो, ये सब चीजें तुम्हारी तो हैं, मैं कौन सा उठा कर परलोक में ले जा रहा हूँ? सेठ जी, आप बेहोश हो गए थे। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। अरे चाचा जी, शुभ शुभ बोलिए। अनोखे, हाँ जी, गायत्री को बुला दो। अच्छा, अंत समय मुझे रामायण पढ़कर सुनाए। हाँ हाँ। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, अभी तो आपको बहुत जीना है, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। शिव शंकर। मैं भी सोच रहा था कि श्रीमान दुर्गादास जैसे सच्चे हिंदू पंडित की गैर मौजूदगी में कैसे प्राण छोड़ सकते हैं। वैसे तो श्रीमान का जीवन पूर्ण जीवन था, किंतु शास्त्र अनुसार एक बात की त्रुटि है। हमारा धर्म कहता है कि जिस आदमी की संतान ना हो उसे स्वर्ग और नरक दोनों स्वीकार नहीं करते। हाँ पंडित जी, आप ये बतलाइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। आपको क्या करना है, मुसीबत तो मेरी है, धर्मराज मेरी गर्दन पकड़ेंगे और पूछेंगे शास्त्री जी आपको इस वास्ते जन्म दिया था कि आप अपने करोड़पति जजमान को बगैर संतान मेरे पास भेज दे। अपना बेटा नहीं तो क्या हुआ, किसी रिश्तेदार को ही वारिस बना लिया होता, जो मरते समय इनके मुंह में गंगा जल डालता और इनके मृत शरीर को अग्नि देता। अरे आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, जल्दी करो, मुझे इसी वक्त एक लड़के की जरूरत है। लड़का? पंडित जी, लड़का बगल में ढिंडोरा शहर में, अनोखे भी तो सेठ जी का ही बेटा है, आप इस रिश्ते पर धर्म की मोहर लगा दीजिए। लेकिन ये धर्म की मोहर लगेगी कैसे? मैं अभी अभी सामग्री तैयार करता हूँ, श्रीमान दुर्गादास जी धर्म अनुसार अनोखे को गोद ले ले। हाँ, लेकिन सतंती बहन को ये बात मंजूर हो तो ना। अरे मौसी बेचारी क्या कहेगी, लेकिन सेठ जी एक बार अपने मुँह से हाँ तो कह दे। श्रीमान जी आपकी आज्ञा है, बोलिए ना। चाचा जी बोलिए। सेठ जी बोलिए ना। उन लोगों को जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन जल्दी करो। अरे अनोखे चल बेटे, जल्दी चल। अरे जल्दी जल्दी यहाँ बैठ जा। अरे दौलत कहाँ मर गया तू? आया जी। रामू, ओ रामू। शास्त्री जी जरा जल्दी जल्दी क्रियाक्रम की तैयारियां कीजिए। अरे शुभ शुभ कहो बेटा, क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम। आज तुम सेठ जी के मुतवन्ना बनने वाले हो धर्मानुसार, यानी हम गोद लिए जाएंगे, हम वारिस बनेंगे, फिर हम रेखा से शादी करेंगे, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करेंगे, दो या तीन बच्चे लगते हैं घर में अच्छे लालती को। अरे अनोखे बेटा वहां कहां चले गए, इधर आओ। हाँ, कन्या को वहीं रहने दो, अकेले आओ। अच्छा तुम पीछे बैठो, जल्दी करो, हरी आओ। अरे गायत्री, आज मेरा अनोखे राज सिंहासन पर बैठने वाला है, तू भी आज का खाना यही खाना, और सुन वो होटल वाले को और उसकी बहनों को भी खाने पे बुला लेना, आदमी को खुशी के वक्त में गरीब गुरबा को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा अच्छा जा, जल्दी से जाके चाचा जी को यहाँ ले जा। अरे जा लड़की। दादाजी मैंने शुभ समाचार सुन लिया, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया, दुनिया में कोई ना कोई नाम लेवा तो होना ही चाहिए, मैं तो सुन के बहुत खुश हो गई। दादाजी ये क्या हुआ, आप तो बच्चों की तरह रो रहे हैं। बेटी, बीते हुए दिनों की यादें जब दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं,
तो आंखों में आंसू आ ही जाते। दादाजी, लोग कहते हैं कि वक्त हर दुख दर्द का इलाज करता है, लेकिन आपका गम तो वक्त भी नहीं मिटा सका। गायत्री पछतावे की आग इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की, अमीरी के गुरूर में मैं बर्दाश्त न कर सका कि मेरे घर में एक मामूली घर की लड़की बहू बनकर आए। बेटी, मैंने अपने हाथों अपने बेटे को खो दिया। एक करोड़पति का बेटा, अरे दवा के लिए सिसक सिसक कर मर गया। उसकी आखिरी निशानी मेरा पोता न जाने कहां होगा, किस हाल में होगा। ये है मेरे पिताजी और ये मेरी माताजी। आपकी माताजी तो साक्षात लक्ष्मी लगती है। और मेरे पिताजी? बिल्कुल देवता। दादाजी, ये किसका फोटो है? मेरे दिल के टुकड़े का, जिसके लिए मैं आज तक रो रहा हूं। दादाजी, मैं अभी आई। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? मेरी तस्वीर, मेरी जिंदगी तो देती जाओ। अभी आई दादाजी, अभी आई। मैं उस होटल वाले को बुलाने जा रही हूँ, अभी आई। जल्दी आना। अच्छा, आपके मिल की कीमत कितनी है? अरे बेटी, क्या पूछ रही हो? ला ये फोटो दे दो मुझे। पहले मिल की कीमत बताइए। यही 3-4 करोड़ होगी। मेरी फोटो दे दे दो। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दूं, तो क्या आप अपनी मिल मेरे नाम कर देंगे? कौन सी खुशी है? आपका पोता। मेरा पोता कहाँ है वो? इस खुशी के लिए मिल तो क्या मैं अपने आप को मैं गिरवी रख सकता हूँ? देखिए दादाजी, ये आपके बेटे की तस्वीर है ना? हाँ गायत्री। और ये भी। अरे, ये दूसरी तस्वीर कहाँ से आ गई? और आप इन्हें पहचानते हैं ना? हाँ, ये मेरी बहू है। ये तस्वीरें तुम्हारे हाथ कैसे लग गई? बताती हूँ। बिल्लू, गायत्री, बिल्लू, किसी को अंदर नहीं आने देना। तुम इधर आओ। राम राम सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? मेरा धंधा खोटा हो रहा है, ये छोकरी मुझे यहाँ खींच के ले आई। देखते क्या हो, इनके पाँव छू। अरे अमीर आदमी के पैर तो गरीब हमेशा ही छूता आया है। आज कोई खास बात है? दादाजी, आप इसे गले लगा लीजिए, इसका माथा चूम लीजिए, यही इन दोनों का बेटा है, आपका पोता। मेरा पोता? हाँ दादाजी, आपका पोता। ये मेरे दादा है? हाँ बिल्लू, मेरे दादा। मेरा पोता। दादाजी, 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 क्या? दादाजी, 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 मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा पोता। अनोखे, बर्फ के लिए किसी को भेजा के नहीं? नौकर भेजा है, आता ही होगा। अच्छा, अभी जैसे आ जाए तो अंदर भिजवा देना और मैं थोड़ी देर से आता हूँ। अनोखे, न जाने अंदर क्या हो रहा है। आ गया, गंगा जल लेकर आ गया। क्या हुआ,
कि आत्मा का पंछी उड़ गया। शिव शंकर अंत समय में मुंह में गंगा जल भी नहीं डाला। अरे पंडित जी प्राण अभी तक बाकी हैं। बाकी हैं? फिर तो ये गंगा जल काम आएगा। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। बर्फ अभी तक नहीं आया सिस्टर? बर्फ तो आ जाएगी। बर्फ आ गई बर्फ आ गई। जल्दी जाओ जल्दी अंदर जाओ। शिव शंकर शिव शंकर बर्फ आ गई। शिव शंकर बेटा चिंता मत करो, हमने बर्फ पर गंगा जल छिड़क दिया है। और फिर आज शनिवार है, ज्योतिष विद्या के हिसाब से ऐसी पवित्र आत्मा शनिवार के दिन संसार का त्याग नहीं कर सकती। पंडित जी क्या शनिवार के दिन स्वर्ग का बुकिंग ऑफिस बंद रहता है? अरे बेटा शिव शंकर कहो शिव शंकर। कैसी बात? डॉक्टर 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 घबराने की कोई बात नहीं, खतरे की घड़ी टल गई। हम लोग अंदर जा सकते हैं? हाँ तुम लोग अंदर जा सकते हो, मगर मरीज को परेशान मत करना, मैं 4 घंटे के बाद फिर आऊंगा। 4 घंटे तक तो मरीज जिंदा है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। चल 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 शिव शंकर शिव शंकर। मम्मी आंटी। शिव शंकर शिव शंकर। मर गए शिव शंकर। मम्मी अरे अनोखे बेटे बैठ जा जरा इधर। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। अरे बेटे बनते बनते तुम्हारी किस्मत फूट गई बेटे, उस होटल वाले ने तुम्हारा राजपाट छीन लिया। हाय ये पहाड़ क्यों मेरे साथ पे रखा है? हटाओ। अरे हटाओ मैं कहती हूँ। अजी हटाइए ना नर्स जी, जब गंगा जल मौजूद है तो बर्फ की क्या जरूरत है? शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। अरे पंडित के बच्चे गंगा जल पीकर तू ही जाकर शमशान में लेट जा। शांत मम्मी शांत रहो। गोद लेने का गलत मुहूर्त तुमने ही तो निकाला था। सब आ जाओ। आ गया भगवान मेरी सेठानी के सोए हुए भाग जगा दे, अभी तक मिठाई के टोकरे की आस बाकी है। मौसी घबराना मत, आखिर हम भी तो वकील हैं, कोई ना कोई दूर की कौड़ी ढूंढ लाएंगे। चलिए चलिए। बेटे बेहतर से बेहतरीन सूट सिलवाओ। देखो भाई जोधपुरी 2 बटन 3 बटन शेरवानी आजकल सुहा भाई जितने फैशन है सबके नाम दे। दादाजी एक लट्ठे का पैजामा और वास्केट सिलवा दीजिए, आप कहेंगे तो एक रेशमी पटका कंधे पे रख लूंगा। बेटे तू श्रीमान मिल का मालिक है, मुद्दत के बाद भगवान ने खर्च करने का मौका दिया है। सेठ जी आराम से बोलिए, आप तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। डॉक्टर मुद्दत के बाद मेरी जिंदगी के अरमान पूरे हुए हैं। डॉक्टर आज अगर मैं पागल भी हो जाऊं तो मुझे परवाह नहीं। डॉक्टर मुझे परवाह। ओ मर गई बेटा अनोखे, जरा जाके देख बुढ़े ने उस होटल वाले को सब कुछ दे दिया या कुछ बाकी बचा भी है। हाय जाता हूँ जाता हूँ। कपड़ों का भंडार। मम्मी मम्मी वहाँ तो शहर के सारे टेलर मास्टर आए हुए हैं, कपड़े वाले अपनी दुकानें उठा कर ले आए हैं और उस होटल वाले का नाप नाप लिया जा रहा है। गर्दन 40 छाती 16। नहीं नहीं मेरा मतलब है गर्दन 16 छाती 40। हाय हाय क्यों मेरी छाती पे मुंगल रहा है, जा जाके देख और क्या क्या हो रहा है। अभी ट्राई बोल सके अभी तक 104 बुखार है। हाय हाय देखो 100 रुपए से कम वाला जूता मत दिखाना। बहुत अच्छा 100 रुपए से कम नहीं। हाँ बेटे अच्छा हो तुम। हाँ दादाजी पैर पूरे दो दो मन का लग रहा है, वो हल्की फुल्की कोल्हापुरी चप्पल ठीक रहे। बेटे तू कोल्हापुरी चप्पल की बात कर रहा, मैं तेरे सारा कोल्हापुर खरीदूंगा। ए डॉक्टर प्लीज डॉक्टर। इतने सारे जूते। मम्मी 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 वहां तो जूतों का बाजार लगा है, मालूम होता है बाटर फैक्ट्री खाली हो गई। हाय 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 भगवान दुश्मन को भिगो भिगो कर जूता मारे। जा बेटा फिर से जाके देख और क्या क्या हो रहा है। हाय 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 आई विल ब्रिंग वन मोर बुलेटिन। 106। दादाजी ये इतने हीरे जवाहरात पहनकर मैं क्या करूंगा? रईसों के बेटे फूलों के गजरे नहीं पहनते, हीरे और मोतियों की माला पहनते हैं। दादा जी 4-4 कैरेट की 4 अंगूठियां दिखलाइए। अमर और पाली की दुकान से। मम्मी 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 अब तो शहर के सारे ज्वेलर्स वहां बैठे हैं, सोने की अंगूठी हीरे की अंगूठी मोतियों की माला। बस आगे मत बोल। ठहरो इस बार मैं देखता हूं, प्लीज ओब्लाइज मी। थैंक गॉड पहले से बहुत फर्क है। बुखार उतर रहा है? नहीं और ऊपर चढ़ रहा है, सिर्फ 110। 110? अरे बुद्धू 110 में आदमी मर जाता है। अरे पगली लखनऊ में टेम्परेचर 118 होता है और तब भी आबादी 6 लाख है। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है, 110 तो क्या 115 में भी जिंदा रहेंगी।
मम्मी डार्लिंग, थोड़ी बर्फ और मंगा दूं? अरे बेटे, बर्फ तो तेरी किस्मत पर पड़ गई है, हाय। इसलिए इस साल शिमले में बर्फ कम पड़ी है। हाँ बिठल सेठ, मैं दुर्गादास बोल रहा हूँ। भाई आज शाम की पार्टी याद है ना, सारे परिवार के साथ आना, हाँ भूलना नहीं। सेठ जी दवा पी लो। आज आप सुबह से खुशी के मारे उछल रहे हैं, अपनी सेहत का तो ख्याल कीजिए। डॉक्टर उम्र भर तुम मुझ पर धौंस जमाते रहे, अब जिंदगी की कुछ घड़ियां मुझे अपनी मर्जी से बिताने दो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, यही होगा ना, यही होगा कि मैं मर जाऊंगा। मरेगा आपके दुश्मन दादाजी, ऐसे शब्द फिर कभी मुंह से नहीं निकालना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। बेटे तुझे पाने की खुशी 100 साल की जिंदगी से बड़ी है। दादाजी मैंने आपकी इजाजत के बगैर अपने कुछ पुराने दोस्तों को बुला लिया है। लो सुनो, मालिक नौकर से इजाजत ले रहा है, बेटा इस घर में तुम्हारा राज है। मैं तो अपनी उम्र खा पी चुका। आपने फिर वही बातें शुरू कर दी। सेठ जी, सेठ जी दवा। डॉक्टर दवा तुम पी लो। दोस्तों आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, इनसे मिलिए। यही है इस घर के चश्मो चराग, जो आज से श्रीमान मिल्स के मालिक हैं, मेरे पोते श्री बलराज। शिवशंकर 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 शिवशंकर, भगवान की लीला देखिए। सेठ जी 25 बरस तक अपने पोते की तलाश करते रहे नगर नगर और डगर डगर की खाक छानते फिरे, लेकिन उनका पोता मिल के बाहर मिल मजदूरों को दाल रोटी खिलाता रहा और प्रभु के गुण गाता रहा। पंडित जी भगवान की मूर्ति पत्थर की होती है, लेकिन मूर्ति का दिल मक्खन का होता है। चलिए दादाजी खाना तैयार। हाँ बल्ला चलो, आप लोग भी आइए। आइए आइए सभी आइए, प्लीज आइए। वाह वाह क्या अच्छा इंजाम। बेटा बलराज जमीन पर अपने दोस्तों की दावत का इंजाम किया है? नहीं बिल्कुल नहीं दादाजी, जमीन पर आपके दोस्त खाना खाएंगे। तो फिर ये मेज कुर्सी पर कौन बैठेगा? मेज कुर्सी पर मेरे यार लोग खाना खाएंगे। देखिए ना दादाजी, गरीबों की किस्मत में दरी चटाई थाली कटोरी तो लिखी है, आज वो मेज कुर्सी पर बैठ कर प्लेटों में खाना खाएंगे और ये लोग धरती पे भोजन करेंगे। और देखिए ये खाना जिंदगी भर याद है। हाँ क्यों नहीं बेटा, जिंदगी में कभी कभी वैरायटी होनी ही चाहिए। आज हम सब लोग चौकड़ी मार कर खाना खाएंगे। चलो भाई लोग चलो, शाबाश 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 शाबाश। देखो भाई कहीं भी किसी भी कुर्सी पर फिट हो जाओ और चालू हो जाओ। चलो भैया चलो चलो। अरे मुंह क्या देख रहे हो, बैठो 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 बैठो। दादाजी 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 दादाजी।